इसमें बोला ना आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ विद अ स्पीड ऑफ इक्वल टू द हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ एंड जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ. देन द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज. आर की वैल्यू आपको ये लेनी है. एक सैटेलाइट है जो कि क्या कर रहा है, अर्थ के चारों तरफ सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है. ये अर्थ मान लो एक सैटेलाइट है, इसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है. तो इस केस में इसने बोला है कि अराउंड द अर्थ विद ए स्पीड ऑफ इक्वल टू द हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एस्केप वेलोसिटी. हमें इसकी सैटेलाइट जो है अर्थ के चारों तरफ घूमता है तो ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी देते हम, अंडर रूट जी एम ई बाय में आर ई प्लस इतनी देते हैं. तो अर्थ के सर्कुलर पाथ पे घूमता ही है. अब दे कितनी दी, किसके इक्वल है ये वाली जो वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी किसके इक्वल है, हाफ ऑफ द एस्केप वेलोसिटी के इक्वल है. यानी कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है ये क्या है, इसके वेलोसिटी का क्या कर दो, हाफ इसके इक्वल है. तो यानी कि इसको सोल्व कर लो, जी एम ई डिवाइड बाय में आर ई प्लस एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट टू जी एम ई डिवाइड बाय में आर ई प्लस एच इंटू में क्या कर दोगे, वन बाय टू. समझ में आ गया इतना. तो यहाँ से आपके पास कितना जाएगा, ये एच को सोल्व कर लो, एच की वैल्यू बतानी है. दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दो, जी एम ई डिवाइड बाय में आर ई प्लस एच इक्वल टू वन बाय फोर इंटू में टू जी एम ई डिवाइड बाय में आर ई प्लस एच. तो जी एम ई से जी एम ई कैंसिल, टू आ जाएगा आपके पास. तो यहाँ से आर वन बाय में आर ई प्लस एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन बाय में टू इंटू आर ई प्लस एच. तो रिवर्स कर लो, आर ई प्लस एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू आर ई प्लस में टू एच. तो यहाँ से आपके पास आर ई माइनस टू आर ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू एच माइनस एच. तो एच की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी आपके पास, आर ई की इक्वल ही आ जाएगी. तो यानी कि 6400 बी आंसर आ जाएगा. आया कि नहीं समझ, श्योर? अब सेकंड पूछा, टाइम पीरियड ऑफ ए रिवॉल्विंग ऑफ ए सैटेलाइट इन द गिवन ऑर्बिट. टाइम पीरियड बताना है क्या होगा. तो टाइम पीरियड आपको ये फॉर्मूला बताया गया था कि जो टाइम पीरियड है अगर सर्कुलर पाथ एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने का टाइम पर टी इक्वल टू होता है 4 पाई स्क्वायर बाय में जी एम ई इंटू में क्या जाएगा आपके पास. ये अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, जी एम ई आएगा इंटू में क्या करोगे, आर का क्यूब आ जाएगा. तो यहाँ पे टी स्क्वायर इक्वल टू, इसको सोल्व कर लो आप, इसको आप लिख सकते हो 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाय में जी एम ई डिवाइड बाय में आर ई आर का क्यूब. ऐसा लिख सकते हो कि नहीं. तो टी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाय में जी एम ई डिवाइड बाय में आर स्क्वायर इंटू में ये आर कर दो. तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, जी के इक्वल, ये किसके इक्वल आ जाएगा, जी जी एम ई बाई आर स्क्वायर को जी बोल सकते हो आप. तो यहाँ से आज टी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाय में जी इंटू में आर. तो दोनों साइड क्या कर दो, अब रूट ले लो या फिर दोनों साइड रूट ले लो. टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 पाई डिवाइड बाय में जी रूट जी इंटू में आर. तो टी की वैल्यू जो है रूट आर, यानी कि रूट आर बाय में जी इंटू में क्या आ जाएगा, 2 पाई. ये आंसर आना चाहिए, 2 पाई इंटू में आर बाय जी. टू पाई ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी. ओमेगा की वैल्यू निकाल लो, इसमें ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, इससे भी हो जाना जी कुछ ना कुछ, यही इससे भी लगा सकते हो, टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाय जी एम ई इंटू आर क्यूब. तो जी 4 पाई स्क्वायर बाय में जी
अंडर रूट आर बाय जी इंटू टू पाई आ रहा है कहीं ना कहीं कैलकुलेशन दिक्कत हो रही है। ये देखो कहाँ कैलकुलेशन दिक्कत है, ये देखो बोले तो इसमें इसमें r की जगह 2r पुट करोगे क्योंकि वो सेंटर सेंटर के बीच का गैप होता है। अर्थ के सेंटर से तो ये हो गया, इससे h हाइट ऊपर लेके जा रखा है। हमेशा जो r जो होता है वो जो दोनों मासेज के बीच के सेंटर का गैप होता है, मान लो यहाँ अर्थ है और सैटेलाइट यहाँ, तो इसका सेंटर और इसका सेंटर इनके बीच का गैप होता है। ये हमने r लिया तो यहाँ पे कितना लोगे, 2r लोगे, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे क्या पुट करोगे 2r। दोबारा से सोल्व कर देती हूँ, यहाँ पे r की जगह क्या पुट करोगे आप, 2r पुट करोगे, बस आ जाएगा वहां से भी। यहाँ पे हमेशा जो r होता है t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब होता है, तो r दोनों सेंटर्स के बीच का गैप होता है, तो यहाँ पे t स्क्वायर इंटू में 2r का क्यूब आएगा ये, तो t स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाय में जी एम ई इंटू में 8r का क्यूब, तो इसको लिख सकते हो t स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाय में जी एम ई डिवाइड बाय में r स्क्वेयर इंटू में 8r, ये क्या बन जाएगा g के इक्वल, तो यहाँ से t स्क्वेयर किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, 4 पाई स्क्वेयर बाय में g इंटू में 8r, तो यहाँ से t दोनों साइड स्क्वेयर रूट हुए तो 2 पाई इंटू में रूट 8r बाय में g, ये आंसर आ जाएगा आपके पास। आगे समझ, एनी डाउट?